और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको आगरा की दिखा रहे हैं, जहां पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगरा के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज ताजमहल का दीदार करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, अपनी पत्नी सारा के साथ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही मौजूद थे आगरा में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगवानी करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा की तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं, आज आगरा देखने का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें सीधी आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर ताजमहल देखने का कार्यक्रम आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का और अपनी पत्नी के साथ वो आगरा पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंजामिन नेतन्याहू के स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर मौजूद थे, उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद थे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी पत्नी संग नेतन्याहू ताज का दीदार करेंगे। हालांकि उन आम पर्यटकों को इस दौरान थोड़ा मायूस जरूर होना पड़ सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जब तक ताजमहल परिसर में मौजूद रहेंगे उस वक्त आम पर्यटकों के लिए ताजमहल नहीं खुला रहेगा। 12:30 बजे तक ताजमहल में रहेंगे और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लंच भी दिया जाएगा और उसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अपनी पत्नी संग नेतन्याहू आज ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। पूरे आगरा को किले में तब्दील कर दिया गया। जिन रास्तों से होकर बेंजामिन नेतन्याहू को गुजरना था वहां पर बाकायदा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। आज ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज आगरा के दौरे पर हैं।